धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बगल में बैठे ये हैं राजीव कुमार, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर। सीबीआई टीम रविवार को जब पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के इरादे से उनके घर पहुंची तो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को रोक दिया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के अफसरों को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीबीआई और राज्य पुलिस के बीच इस कदर टकराव शायद पहली बार सामने आया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत क्यों आई। दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई जांच के घेरे में हैं। राजीव कुमार ने इस घोटालों की जांच टीम की अगुवाई की थी। सीबीआई के मुताबिक घोटाले की जांच से जुड़ी कुछ अहम फाइल और दस्तावेज गायब हैं। सीबीआई गायब फाइलों और कागजातों को लेकर पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन राजीव कुमार सीबीआई जांच टीम के सामने आने से बचते रहे। State government constituted one an SIT, that is Special Investigation Team, under the leadership of Sri Rajiv Kumar, who is presently the Commissioner of Police Calcutta. Earlier he was Commissioner of Police Biramnagar, that is Salt Lake. Okay, sir. So when we, as per the orders of the Supreme Court, when we started investigating, we have found that this SIT under the leadership of Sri Rajiv Kumar had seized voluminous documents, registers, electronic evidence, computers, telephone transcripts, CDRs, and so many other things. Yes, but these things have not been handed over to us. आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीआई के अंतरिम निदेशक ने साफ साफ कहा कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। पूछताछ के लिए कई बार राजीव कुमार समेत केस से जुड़े दूसरे पुलिस अफसरों को नोटिस भेजा गया था। So we have issued notices to Sri Rajiv Kumar and other police officers. None of them have appeared excepting those retired officers. Yes, sir. So finding no other way, so we have decided to interrogate him. 1989 बैच के IPS अफसर और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। शारदा चिटफंड घोटाले में नेता, नौकरशाह और मीडिया की ऐसी तिकड़ी सामने आई जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। हजारों करोड़ के शारदा घोटाले में कई सियासी पार्टियों के नेताओं के नाम आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। चिटफंड घोटाले की जांच के लिए बनी टीम की अगुवाई आईपीएस राजीव कुमार ने की थी। अब सीबीआई आईपीएस राजीव कुमार से घोटाले की जांच से जुड़े गायब अहम दस्तावेज चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, लेकिन राजीव कुमार सीबीआई जांच टीम से बचते रहे हैं, जिससे उनकी भूमिका संदेह के दायरे में है।